بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا سيليسيان، ويلكم تو 7th سوشل ستڈی کلاس. امید کرتی ہوں بچہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بچہ ہسٹری کا یونٹ نمبر 3 اوپن کریں. ہوریز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. دا ہوریز پیج نمبر ہے 30. اس کی ریمیننگ ریڈنگ پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے پھر ہم نے ایڈیشنل کوسچن کرنے ہیں. پیج نمبر 30. Having captured most of the subcontinent excluding Kashmir, Ghori appointed Qutbuddin Aibak as his governor and went back to Ghazni in 1205 CE. On his way, an army of Turks from Central Asia attracted and captured him. Rumors of his death swiftly spread throughout his empire. Although they were only rumors, the rebels and the outside Ghaznavi king Khusru Malik were encouraged, and they sprang back into action, attacking Lahore. Aibak's military tactics. Ghori's armies fought back and regained Lahore. The rebels and the Khusru Malik were severely punished. इसमें ये बता रहे हैं कि काफी बरसगीर के जो है उन्होंने इलाकों को कब्जे में कर लिया. सवाई जो है कश्मीर के गौरी जो है कुतुबुद्दीन का जो है गवर्नर अपॉइंट हुआ. वापस जो है गजनी 1205 में आया. ऑन हिज वे इनके रास्ते में जो आर्मी तुर्क के जो मरकजी एशिया की जो आर्मी है ठीक है तुर्क उन्होंने अटैक किया, हमला किया, कैप्चर हिम उसे कब्जे में कर लिया. और तो इस खबर के जो है से के डेथ उनकी हो गई स्विफ्टली, तेजी से ये फैली अपनी उनकी बशात में कि उनकी डेथ हो गई है. अगरचे वो जो है ये एक उर्दू की खबर थी, लेकिन ये जो बागी थे औसे गजनवी के बशात मल्ले के वनकरेज उन्होंने इसे इनकरेज और वो जो है बैक इन टू द एक्शन, वापस अपने एक्शन में आ गया. मतलब उन्होंने अटैकिंग जो है हमला किया लाहौर पर. उनके फौजी जो है थ्रू एबेक्स की जो फौजी चालें थी उनको इस्तेमाल करते उनके जरिए गोरीज आर्मी जो है फॉर्ट बैक वापस लड़े, फिर रिगेंड लाहौर और फिर दोबारा उन्होंने क्या किया लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया. बागी और खुसरू मलिक जो वर सेवरली शिद्दत से उनको पनिश पनिश किया गया, सजा दी गई थी. नेक्स्ट पेज पे पेज 14 पे आए. 1206 Muhammad Ghori once again decided to return to Ghazni. Unknown people assassinated him on this way. 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो है दोबारा एक बार फिर अगेन जो है उन्होंने फैसला किया गजनी को रिटर्न करने का. अननोन जो है पीपल जो है assassinated him on this way, जो जिनको वो नहीं जानते थे उनके रास्ते में आ गए. मोहम्मद गौरी इज नॉट अ फेमस एज महमूद गजनवी बट इज कन्क्वेस्ट इंडिया बट मच मोर वाइड स्प्रेड एंड परमानेंट देन महमूद. मोहम्मद गौरी जो है इतने मशहूर नहीं थे जितने के महमूद गजनी थे, लेकिन उनकी जो फतुहात थी इंडिया में वो बहुत ज्यादा फैली थी और परमिनेंट जो है वो महमूद के बनिस्बत वो परमिनेंट थे वहां. ही फेस रिवॉल्ट्स, उन्होंने काफी बागियों का जो उनकी बगावत करने वाले थे उनका सामना किया एंड ट्राइड रेबेलियंस और उन्होंने कुचल दिया जितने भी बागी थे. बट ही लेड द फाउंडेशन ऑफ परमिनेंट मुस्लिम और रूल ऑन द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने क्या किया, बुनियाद रखी परमिनेंट मुस्तकिल जो है मुस्लिम हुकूमत की बरे सगीर में. इवन दो द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज हिंदू, अगरचे जो है अक्सरियत लोगों की जो थी आबादी वाज हिंदू थी. ही लेफ्ट हिज गवर्नर एबेक इन चार्ज ऑफ द टेरिटरीज एंड बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत आफ्टर महमूद गोरीज डेथ इन 1206. उन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट हिज गवर्नर, उन्होंने अपने गवर्नर एबेक जो है इंचार्ज अपना जो वहां के इलाके हैं वहां पर गवर्नर छोड़ा एबक को और उन्हें फर्स्ट सुल्तान बना दिया दिल्ली सल्तनत का महमूद गौरी की डेथ के बाद. 1206 में महमूद गौरी की डेथ. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट ऑफ 34 मुस्लिम किंग्स हु रूल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मुस्लिम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, पहले जो थे 34 मुस्लिम बादशाहों में से जिन्होंने हुकूमत की बरसी को पाक हिंद में अंटिल जहां तक जहीरुद्दीन बाबर्स इन्वेजन इन 1526 में जब इन्होंने हमला किया ठीक है, तब तक जो है कौन हुकूमत करता रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक. ये हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है. हमने कंटेंट रिव्यू में लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन कर लिए थे, इसके एडिशनल क्वेश्चन रहते हैं. एडिशनल क्वेश्चन की हेडिंग दे दें, पहले पेज पे जो है यूनिट का नाम लिखें ठीक है. यूनिट नंबर 3 है हिस्ट्री का द गोरीज, फिर उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आंसर की हेडिंग दें. एडिशनल क्वेश्चन आंसर की हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, इन विच ईयर गोरीज कैप्चर्ड
CPTURE, Multan, Sindh and Lahore. Multan, Sindh and Lahore. आंसर लिखें, होरी कैप्चर्ड मुल्तान इन 1175 CE. Sindh in 1182 CE and Lahore 1186 CE. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. अब सेकंड क्वेश्चन लिखें, नेम द थ्री गोरी रूलर इन करेक्ट ऑर्डर. नेम द थ्री गोरी रूलर इन करेक्ट ऑर्डर. नंबर वन अलाउद्दीन गोरी, ए डबल एल ए यू डबल डी आई एन, अलाउद्दीन गोरी, जी एच ओ आर आई, ये नंबर वन है. अब नंबर टू पे लिखें, सुल्तान गयासुद्दीन, गयासुद्दीन की स्पेलिंग सुने, जी वाई ए डबल एस यू डी आई एन, गयासुद्दीन. नंबर थ्री पे है शहाबुद्दीन, एस एच ए एच ए बी यू डी आई एन, शहाबुद्दीन. महमूद, एम ए एच एम यू डी, महमूद गोरी. आगे लिखें गोरी, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. अब थर्ड क्वेश्चन लिखें, वाई वाज अलाउद्दीन कॉल्ड जहांसोज, जे ए एच ए एन, ये कॉमा में लिखना है, जहांसोज, एस ओ जेड. इज इट द टाइटल ऑफ एप्रिसिएशन, इज इट द टाइटल ऑफ एप्रिसिएशन. आंसर लिखें, अलाउद्दीन कॉल्ड जहांसोज बिकॉज ही सेट गजनी द मोस्ट डिवेलप सिटी ऑफ दैट टाइम ऑन फायर, फुल स्टॉप. इट इज नॉट द टाइटल ऑफ एप्रिसिएशन, इट इज नॉट द टाइटल ऑफ एप्रिसिएशन. कॉमा डालें, इट शोज ही इज रिमेंबर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी. डी एस डी आई एस टी आर यू सी टी आई यू एन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी, फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर फोर लिखें, Give an account of Prithviraj, P-R-I-T-H-V-I-R-A-J, Prithviraj in the hand of Mahmud Ghazni. Full stop. अब आंसर राइट करें. Prithviraj, the ruler of Ajmer, A-J-M-E-R, Ajmer and Dehli. Was a formidable formidable opponent, O-double-P-O-N-E-N-T, full stop. Gori challenged, C-H-A-double-L-E-N-G-E-D, challenged him to a battle, the first battle of Tarain, T-A-R-A-I-N, near Lahore. In 1191 CE, but he lost because he had a stronger army. Full stop. Many of Ghori's men deserted, D-E-S-E-R-T-E-D, when they assumed, A-S-S-U-M-E-D, assumed he was dead. Full stop. Ghori returned with a larger and stronger army and met Prithviraj in the second battle of Tarain, T-A-R-A-I-N, in 1192 CE. Full stop. This time Ghori and his men, this time Ghori and his men
defeated Prithvi, Prithvi, Prithvi and killed him. Prithvi and killed him. ये बच्चों हमारे आज का काम कंप्लीट हुआ. एडिशनल क्वेश्चन जो हमारे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. ठीक है बच्चों, आपने इन्हें अच्छी तरह स्पाइस से लिखना भी है और याद भी करना है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.